जाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि राजेश लिलोटिया साहब को जो है वो पूरे इंडिया की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की ओर से और ऐसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। तो हम आए ऑफिस में 24 अकबर रोड पे, तो राजेश लिलोटिया जी हमारे साथ में है। सर, दिल्ली के नहीं पूरे भारत में आपके दौरे लगेंगे, आप लोगों की समस्याएं हैं, तो कैसे जुड़कर अपने सदस्यों के साथ और समाज के साथ और देशवासियों के साथ मिलकर आप आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी जिसके अंदर पूरे देश के जो मेरे दलित समाज के भाई बहन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, ऐसी उन लोगों के उनको संभालने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके सोशल जस्टिस के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना प्रेरणा मानते हुए उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलकर और फूले पेरियार को प्रेरणा स्रोत मानते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुझ पर विश्वास किया है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है जी। तो बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जैसे देहरादून से, उत्तर प्रदेश से, अभी पंजाब से और गुजरात से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे अपने सदस्य कार्यकर्ताओं को और जो समाज के लोग हैं उनको? सबसे पहले तो समझना यह है कि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो 25 तारीख को, 25 दिसंबर जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, बड़ा दिन भी इसलिए था क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस दिन मनुस्मृति का दहन किया था जी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने अगर मेरा अपॉइंटमेंट किया तो बड़ा क्लियर सा मुझको ऐसे उसका इंटरप्रेट ऐसे करता हूँ, उसका अनुवाद ऐसे करता हूँ कि मुझे एक दिशा मिल गई कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। मेरा रास्ता साफ है कि जो समाज के अंदर और जो देश के अंदर जिस तरीके से जो ऐसी ताकतें आज देश के अंदर सरकार में हैं, जिन जो मनुवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहती हैं, संविधान को कमजोर करना चाहती हैं, उन ताकतों को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ, चुनौती भी देना चाहता हूँ कि अब ऐसा इतनी आसानी से उन लोगों को हम लोग नहीं करने देंगे। एक राजेश लिलोटिया जी हैं, जो मैंने देखा है सच में कि आप पत्रकारों की रिस्पेक्ट करते हैं, पत्रकारों के हौसले को बढ़ाते हैं, ये कोई देखने वाली बात नहीं है, ये पीछे से भी हम यही कहते हैं कि लिलोटिया साहब जो है पत्रकारों की रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में युवा जो आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है, पीड़ितों के लिए काम करते हैं, आप उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। प्रेस की बात है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और संविधान में जर्नलिज्म को और मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया, मतलब अगर वो एक पिलर, चौथा पिलर अगर हिल जाएगा तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो जाएगा। और आज की तारीख में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं वो जर्नलिज्म को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने उसको इतना गुलाम बना दिया कि जो निर्देश आरएसएस के हेडक्वार्टर से आते हैं वो गोदी मीडिया उसको उसी तरीके से प्रसारित करता है कि आप लोग जो है देश का भविष्य है, जो नौजवान को अगर आज हम एक सही दिशा देंगे, उसकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तो वो देश निर्माण के अंदर एक अहम भूमिका अदा कर सकता है।
और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा हमेशा से लगता है कि जो फोर्थ पिलर है और उसमें खास तौर पे जो बेबाक जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जिस तरीके से सुनील अंजाना है, जागो समाज, बेबाकी से दबों की, कुछ लोगों की, वंचितों की आवाज को मजबूत तरीके से उठाते हैं जी। तो हमारा एक नागरिक, एक ईमानदार और सच्चा नागरिक होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर उस व्यक्ति को शाबाशी दें, उसके सपोर्ट में खड़े हों कि आपको इन लोगों से, जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, उनसे कभी डरना नहीं है, उनकी धमकियों से, ये गीदड़ भभकियों से नहीं डरना। हम मजबूती से डंडा लेकर उनके साथ में खड़े हैं, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए जी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली कैंट का जब मामला था, जब हम वहाँ पर आंदोलन में थे, तो राजेश लिलोटिया जी जो है वो बिल्कुल पिलर के माफिक जो है वो हमारे साथ में खड़े हुए थे, युवाओं के साथ में खड़े हुए थे, और वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो है बिल्कुल साथ में खड़े रहते थे। और इसीलिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि राजेश लिलोटिया जी जो है समाज के लिए एक महत्वपूर्ण काम करेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और बड़े पद पर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। आज जो देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में SC ST एट्रोसिटी एक्ट की बात कही थी, कानून बनाया था, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी ने उस एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एक्ट को मजबूत किया था ताकि हमारे किसी भी दलित वंचित के ऊपर कोई अत्याचार ना हो और जो अत्याचारी है उसको खौफ पैदा हो कि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो मुझे सीधे तौर पे एक कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और जेल हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आके सबसे पहले उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, उसको कमजोर करने की कोशिश की। मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में जो कट्टरवादी लोग हैं, RSS के रूप में, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के रूप में, इन लोगों की काट अगर कोई है तो अम्बेडकरवाद है, मनुवाद की काट अम्बेडकरवाद और मनुस्मृति की काट संविधान। मेरा ऐसा मानना है, मैं इसी थीम के ऊपर देश के अंदर देशव्यापी अभियान चलाऊंगा कि मनुवाद को अगर रोकना है देश के अंदर, अगर आपको दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार रोकना है तो उसके लिए आपको अम्बेडकर जी को फॉलो करना पड़ेगा, संविधान को फॉलो करना पड़ेगा, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्शन शील्ड अम्बेडकरवाद है, अम्बेडकर जी को मान के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके से ये लोग मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, RSS के लोग संविधान को कमजोर करना पड़ना चाहते हैं, मैं देश के लोगों से और अपने लोगों से अपील करूंगा, घर घर जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, फूले का, पेरियार का, इन लोगों को के बारे में जानकारी दें लोगों को। ये हमारे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनकी वजह से आज राजेश लिलोटिया यहाँ पर AICC के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि उन्होंने मुझे आज संविधान में उस तरीके का एक रास्ता बनाया और हमको प्रेरणा दी कि आज हम राजनीतिक दृष्टि से हम आज मुख्य धारा के संग जुड़े हुए। और मैं धन्यवाद खास तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप का भी करना चाहूँगा कि वो संविधान को ध्यान में रखते हुए हम जैसे बहुत सारे नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मजबूती से काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और हमेशा सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा मजबूत तरीके से जी। धन्यवाद सर। तो ये है राजेश लिलोटिया जी, जिनका स्वागत करने जो है वो दूर दूर से लोग आए हैं, हर राज्य से लोग आ रहे हैं, जिनके दिल में खुशी है, एक उमंग है कि राजेश लिलोटिया जी, क्योंकि युवाओं के साथ हमेशा कॉलेज टाइम से जो है वो लड़ते आए हैं और संघर्षशील है, और आज आप देख सकते हैं फूलों के द्वारा, दुशालों के द्वारा और मिठाई के डब्बों के द्वारा जो है इनका स्वागत किया गया है। और तो जागो समाज चैनल भी राजेश लिलोटिया जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है और इनको शुभकामनाएं देता है। तो इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।